सो हेलो फ्री फायर गेमर्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल एमजी गेमर्स। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग नेक्स्ट टॉप अपवेंट के बारे में। मैं आपको आज की स्टूडियो में 3 से 4 टॉप अपवेंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें से कोई ना कोई एक टॉप अपवेंट आप लोग को अपकमिंग नेक्स्ट टॉप अपवेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यार वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यार, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इस बार आप लोग को ब्लूप्रिंट का टॉप अपवेंट देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ अदर भी आइटम देखने को मिलेंगे टॉप अपवेंट के अंदर। तो वो यहाँ पे 100% कन्फर्म आप लोग को देखने को मिल चुका है इस बार के टॉप अपवेंट के अंदर। इसी के साथ साथ कल मैंने एक फ्री फायर न्यू इवेंट के जो अपकमिंग इवेंट आने वाले हैं उसकी वीडियो डाली थी, और उसमें आप लोग को बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ का इलाइट पास का प्री ऑर्डर आने वाला है उसमें हम लोग को एक हैड देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर आज गेम ओपन करोगे तो आप लोगों को उसका बैनर देखने को मिल जाएगा प्री ऑर्डर का, इलाइट पास का ऑर्डर का। तो इससे भी यार मतलब थोड़ी बहुत कंफर्मेशन हो रही है कि मैं यार जो भी आप लोग को अपकमिंग इवेंट और अपडेट की न्यूज देता हूं वो यहां पे 90-95% चांस रहते हैं कि वही आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में। सो गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सिंपली यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस यार, यहां पे जो हमारा सबसे नंबर 1 का टॉप अप इवेंट निकल के आ रहा है उसमें यार निकल के आ रहा है हमारा एक इमोट। और गाइस यार उस इमोट का नेम है भांगड़ा। यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं उस इमोट का आप लोग को प्रीव्यू भी करके दिखा दे रहा हूँ, शो करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसा ये इमोट देखने में लग रहा है। बिल्कुल ही नया इमोट आया हुआ है ये, जो हमारे OB24 का अपडेट आया था उसके बाद यार हमारे गेम के अंदर कुछ इमोट एडिट किए गए थे, जिसमें से यार ये एक इमोट है और काफी बढ़िया ये इमोट देखने में लगता है, क्योंकि काफी लंबा ये इमोट है। मतलब अगर हम इसको यूज करते हैं तो भाई मेरे ख्याल से लगभग 10 से 15 सेकंड तक ये इमोट जो है चलता है। तो काफी बढ़िया ये पूरा का पूरा है, और ये हमारे इंडिया की थीम पर बेस्ड है। इंडिया में हमारे पंजाब में स्पेशल भांगड़ा वाला जो सॉन्ग रहता है वहाँ पे भांगड़ा डांस किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड यार ये इमोट है, काफ़ी बढ़िया लगने में लग रहा है। और आप लोग को क्या लगता है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जोर से जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लें इसके कितने डायमंड के टॉप अप पे आने की, तो गाइस यार जो लेक्स निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को 500 डायमंड के टॉप अप पर ये देखने को मिल सकता है। तो आप लोग को क्या लगता है कितने डायमंड आ सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ लेते हैं अपने सेकंड नंबर टॉप अपवेंट की तरफ। सो गाइस यार, जो हमारा सेकंड नंबर का टॉप अपवेंट निकल के आ रहा है उसमें हम लोग को एक लेजेंडरी बैट की स्किन देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारी बैट की स्किन है जो कि यार लेजेंडरी होने वाली है, और ये हम लोग को अपकमिंग टॉप अपवेंट में देखने को मिल सकता है। तो ये बैट की स्किन काफी ज्यादा ओपी लग रही है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हमारे गेम के अंदर कुछ टाइम पहले गोल्ड रॉयल के अंदर एक यहाँ पे क्रिकेट वाला बंडल आया हुआ था, जहां से हम लोग को पूरा का पूरा वो क्रिकेट की थीम पर बेस्ड था, तो उसी से रिलेटेड यार ये बैट की स्किन भी आई हुई है हमारे गेम के अंदर। काफी टाइम पहले ही एडिट कर दी गई थी और अदर शोरों में बहुत ही पहले अवेलेबल करा दिया गया था टॉप अपवेंट के अंदर। तो हमारे इंडियन शोरों में भी इसके आने के बहुत ही ज्यादा चांस बढ़ रहे हैं। और अगर बात कर ले कितने डायमंड के टॉप अप पर आ सकती है मेरे भाइयों, तो ये हम लोग को 100 से 200 डायमंड के टॉप अप पर देखने को मिल सकता है। आप लोग को क्या लगता है कितने डायमंड के टॉप अप पर आ सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और गाइस यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अपने थर्ड नंबर के टॉप अपवेंट की तरफ बढ़ने से पहले, मैं आप लोग को एक इवेंट के बारे में बता देता हूँ जिसकी काफी ज्यादा लीक्स निकल के आ रही है, जो हम लोग को अपकमिंग कुछ डेज में हमारे गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि यार यहाँ पे हमारा रिलेटेड है जॉम्बी समुराई वाले बंडल से। तो यार आप लोगों को पता होगा जॉम्बी समुराई वाला बंडल जो है काफी रेयर है, काफी पुराना है, हमारे गेम के अंदर माना जाता है। जो यार फ्री फायर के नए यूजर होंगे, नए प्लेयर होंगे, उन लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो पुराने प्लेयर है उन लोगों को पता होगा और वो जानते होंगे कि जो हमारा जॉम्बी समुराई वाला बंडल है काफी रेयर माना जाता है। तो इसके बहुत ज्यादा लीक्स निकल के आ रहे हैं कि हम लोग को गेम के अंदर फिर से वापस देखने को मिल सकता है, किस इवेंट के जरिए देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो गाइस यार उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि यार मैं आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ यार, लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार नहीं दिखाते हो, तो प्लीज गाइस आप लोग वीडियो को शेयर किया करो यार। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो वीडियो को शेयर करो और अपना सपोर्ट दिखाओ। सो गाइस यार जो उस इवेंट की बात कर ले जिसमें हम लोग को जॉम्बी समुराई वाला देखने को मिल सकता है, तो ये पर्टिकुलर हम लोगों को किसी ना किसी वेब इवेंट के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। अदर शोरों की बात कर ले तो वहां पर हम लोग को एक स्पिन व्हील करके इवेंट देखने को मिला है, जहां पर हम लोग को पर्टिकुलर डायमंड से स्पिन करना पड़ेगा। नॉर्मल स्पिन, स्पेशल स्पिन उसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। स्पेशल स्पिन में आप लोग को काफी हाई चांस रहते हैं जो रेयर आइटम रहते हैं उनके निकलने के, लेकिन उसका जो प्राइस रहता है डायमंड का वो काफी ज्यादा रहता है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का उसका इंटरफेस भी होने वाला है। तो आप लोग को क्या लगता है ये जॉम्बी समुराई बंडल आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आप लोग इसको लेने वाले को नहीं लेने वाले, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। और मैं तो वही बताऊँ, ये जॉम्बी समुराई बंडल ना काफी ज्यादा रेयर है, काफी ज्यादा ओपी है। इसका जो मास्क वगैरह है ना बहुत ही ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब अट्रैक्टिव देखने में लगता है, तो मैं तो भाई इसको लेने वाला हूँ। आप लोग को कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में
जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ लेते हैं अपने थर्ड नंबर के टॉप ऑफ की तरफ। सो गाइज यार, जो हमारा थर्ड नंबर का टॉप ऑफ निकल के आ रहा है, ये आ रहा है हमारा नए पेट से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे OB24 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर एक नया पेट एड हुआ था जिसका नेम था रॉकी पेट। तो इस रॉकी पेट के नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अदर शोर पर ये हेलोवीन इवेंट की थीम पर बेस्ड इसको प्रोवाइड कराया गया है वहाँ पे टॉप ऑफ इवेंट के अंदर। वहाँ पे एक डायमंड के टॉप अप पर इन लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन हमारे इंडियन शोरूम में जब ये आएगा तो मेरे ख्याल से भाई हम लोग को 300 या फिर 500 डायमंड के टॉप अप पर देखने को मिल सकता है। और इस रॉकी पेट की एबिलिटी की बात करें तो ये जो भी हमारे एक्टिव स्किल के कैरेक्टर रहते हैं उनकी जो कूलडाउन की टाइम रहती है उसको कम कर देता है, मतलब माइनस कर देता है, और वो कूलडाउन बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ओपी पेट होने वाला है हमारे गेम के अंदर और बहुत जल्दी हम लोग को अपकमिंग नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। और गाइस यार, इसी के साथ साथ मैंने जो कल शाम वाली एक वीडियो डाली थी जिसमें आप लोग को बताया था बरमूडा 2.0 मैप आने का, और उसमें आप लोग को एक बैनर भी दिखाया हुआ था जिसमें लिखा था 2 days more to light up Bermuda। उसी के साथ साथ यार हम लोग को गेम के अंदर एक और भी उसी से रिलेटेड बैनर निकल के आ चुका है जहाँ पे अब लिख के आ रहा है 1 day more to light up Bermuda। मतलब इससे थोड़ा बहुत लीक निकल के आ रहा है कि गाइस जो मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी थी बरमूडा 2.0 या फिर बरमूडा रिमास्टर्ड वाले मैप की, उसकी काफ़ी ज़्यादा चांस बनने के हम लोग को गेम के अंदर फिर से वो देखने को मिल सकता है एक दिन बाद। फिर से नहीं बोल सकते भाई क्योंकि अभी आया ही नहीं है, तो वो फिर से मतलब कल हम लोग को देखने को मिल सकता है गेम के अंदर बरमूडा रिमास्टर्ड मैप। इसी के साथ साथ और भी कुछ अदर क्वेश्चन थे जो हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे भाइयों ने पूछा था, तो उसके भी आंसर मैं इसी वीडियो में दे दे रहा हूँ। सो गाइस यार, मेरे एक भाई ने पूछा था कि भाई हम लोग को 3-in-1 वाला जो इंक्यूबेटर है वो कब तक देखने को मिल सकता है। तो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग के सर्वर में 3-in-1 वाला इंक्यूबेटर आने के बहुत ही कम चांस है। हो सकता है यार कि वो जितने भी इंक्यूबेटर है एक एक करके वापस आ सकता है, लेकिन तीनों इंक्यूबेटर एक ही में आ जाए इसके बहुत ही कम चांस बन है। क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा कि हमारे सर्वर में बहुत ही ज़्यादा मतलब भेदभाव किया जाता है अदर सर्वर के मुकाबले। तो हमारे इंडियन सर्वर में अगर आप लोग चाह रहे हो MP40 या फिर स्कार का, तो ये सारे के सारे इंक्यूबेटर वापस आएंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। M10 का भी वापस आएगा, जैसा कि यार आप लोग को पता होगा यूनिकॉर्न AK आया था। तो यूनिकॉर्न AK के बाद अभी XMate वाला इंक्यूबेटर चल रहा है जो कि न्यू है। तो XMate वाला इंक्यूबेटर खत्म होने के बाद में भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर आए उसी के साथ साथ हम लोग को कोई पुराना इंक्यूबेटर भी देखने को मिल सकता है। इसके काफ़ी ज़्यादा लीक निकल रहे हैं, क्योंकि अदर शो में भी अगर बात करें तो वहाँ पे पुराने बंडल के भी इंक्यूबेटर हम लोग को रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और गाइस यार, इसी के साथ साथ आप लोग को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यार मैंने अपने गिल्ड जो है रीसेट कर दिए। तो जिन भी मेरे भाइयों को यार हमारी गिल्ड ज्वाइन करनी हो, यहाँ पे बहुत से मेरे भाई लोग बोलते रहते हैं कि भाई मेरे साथ खेलो, मुझे आपके साथ खेलना है। तो मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा यहाँ पे प्लान किया हूँ कि मैंने यार अपनी गिल्ड की आईडी अपने कम्युनिटी पोस्ट में दे दी है। तो आप लोग को बस छोटी सी रिक्वायरमेंट है, 60+ लेवल होना चाहिए और MG से आप लोग को अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करके नेम गिल्ड में रिक्वेस्ट भेज दो और हमारे गिल्ड में गिल्ड टूर्नामेंट भी होने वाले हैं जहाँ पे बहुत ही ढेर सारे प्राइजेस रहेंगे आप लोग के लिए। तो जल्दी से जाओ यार गिल्ड में रिक्वेस्ट डाल दो, जिससे यार हमारे जो ऑफिसर लोग हैं वो आपकी आईडी को चेक करके आपको एक्सेप्ट करके गिल्ड में ले ले, और उसके बाद फिर आप मेरे साथ भी खेल सकते हो और गिल्ड टूर्नामेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो और दोस्तों यार, इसी के साथ साथ अगर आप लोगों का और भी कोई क्वेश्चन हो किसी भी इवेंट अपडेट से रिलेटेड, तो नीचे यार कमेंट सेक्शन में बेसिक पूछ सकते हो यार बिना किसी टेंशन के। मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर दूंगा अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। और गाइस यार, मैं फिर से ट्राई करूंगा कि आप लोग को जो प्यारे प्यारे कमेंट है मैं अपनी वीडियो में फिर से मेंशन कर सकूं। तो आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी मेरे भाई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो इसी बात पे चलिए फिर, बाय बाय, मिलेंगे बिल्कुल नए वीडियो के साथ।